नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत कर रहा हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाई AKR में। ओके, सो जो इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब। ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं इन दिस वीडियो। चलिए, सो मूविंग अहेड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट, हम लोगों को पता है 17,300 बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है निफ्टी के लिए, एंड आज निफ्टी ऑलमोस्ट 17,306 का लो बनाया था। फिर से चेक करेंगे उसने क्या लो बनाया और क्या कर सकते हैं, और अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा वो क्या बोल रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, टेक्निकल व्यू निफ्टी निफ्टी बैंक का भी करेंगे, 10 लेटेस्ट न्यूज है उसको भी डिस्कस करेंगे, FIDI डेटा और टेक्निकल व्यू ग्राफ में चेक करेंगे कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ रेसिस्टेंस है। आज थोड़ा अमेरिका मार्केट को भी चेक करेंगे क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए प्रोसीड करते हैं फर्दर, और एक रिक्वेस्ट है, कोई बाय और कोई सेल रिकमेंडेशन इस चैनल में नहीं दिया जाता है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो आगे बढ़ते हैं। सो हॉट न्यूज में क्या है, MCX क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, MCX का क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स, MCX ने मिनी फ्यूचर्स निकाला है, पहले क्या था सिर्फ क्रूड ऑयल का था, अब मिनी फ्यूचर्स निकाल दिया है, तो जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा न्यूज है, मार्जिन थोड़ा कम लगेगा। अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग कब से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है, मार्च 3, 2023। ओके, और जिनको ज्यादा जानना है सर्कुलर को क्लिक कीजिए, ऐसे मैंने छोटा सा स्नैपशॉट इसको लेकर के मैं आपके लिए लाया हूँ। ओके, सो मार्च कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च डेट कब है, मार्च 3, 2023, एक्सपायरी अप्रैल 19, 2023। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च डेट और सब कुछ का लिखा हुआ है। क्रूड ऑयल मिनी 10 बैरल रहेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, इसका मार्जिन मनी का जो रहेगा आपके आपको इसके लिए पूरा सर्कुलर को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कल आप देखिएगा इसको, जिनको भी देखना आपके वो स्क्रीन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, एक गुड न्यूज है जो कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। ओके, सो ये क्या बता रहा है, ये प्रीवियस लास्ट वीक क्या था, लास्ट वीक इट वाज 192K, 1000 के का मतलब 1000 होता है, और फोरकास्ट कितना किया गया था, फोरकास्ट किया गया था कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो रहता है वो बढ़कर आएगा, लेकिन क्या आया है, घटकर आया, तो घटकर आया इसका मतलब क्या है, जॉबलेस का जो क्लेम होता है वहां पर जो बेरोजगारी थी वो क्या हो गया, वो कम गया, कमा है, तो इसके लिए क्या है पॉजिटिव था, ये क्या है ये पॉजिटिव है इसलिए ग्रीन दिखा रहा है। ओके, सो इनिशियल जॉबलेस क्लेम मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल हु फाइल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों ने फाइल किया था अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक, दिस इज द मोस्ट टाइमली यूएस इकोनॉमिक डेटा, बट द मार्केट इम्पैक्ट वैरीज फ्रॉम वीक टू वीक, हर बार मार्केट का इम्पैक्ट वैरीज करता है, हर सप्ताह ये डेटा आता है, अ रीडिंग दैट इज हायर देन फोरकास्ट, जो फोरकास्ट से हायर आता है, अभी तो फोरकास्ट 195 की का किया आया, क्या फोरकास्ट से कम आया है, अब फोरकास्ट हायर देन फोरकास्ट इज जनरली नेगेटिव, नेगेटिव होता है बेरिश होता है फॉर USD, वाइल लोअर देन फोरकास्ट रीडिंग इज जनरली सपोर्टिव बुलिश फॉर USD, सो इससे अगर कम आता है तो ये बुलिश बताता है इसलिए ग्रीन है। ओके, सो एक अच्छा न्यूज है मार्केट के लिए कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा अच्छा बता रहा है, और लेकिन निफ्टी का जो सपोर्ट है दैट इज वेरी वेरी क्लोज, अब देखते हैं क्या होता है, देख सकते हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा फरवरी 16 को 194 आया था, लेकिन प्रेडिक्शन कितना था 200 का, आया 194, आया उससे पहले क्या था 195 था, सो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा फरवरी 16 को घटकर आया था, उसके बाद फिर 195 था, फिर 192 आया। सो इस तरीके से जिनको ये न्यूज को चेक करना है कैसे वैलिडेट करना है आप इसको रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और वॉच कीजिए। ओके, सो मेनली इसका इम्पैक्ट कुछ समय के लिए मार्केट में होता है, जो कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको काफी मदद मिलता है इससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेबी टू प्रोब अदानी फॉल आउट, गौतम अदानी रिस्पॉन्ड, गौतम अदानी में रिस्पॉन्ड भी किया है इसको लेकर के, तो एपेक्स कोर्ट डायरेक्टेड सेबी टू सबमिट अ रिपोर्ट इन 2 मंथ्स एंड ऑल्सो अपॉइंटेड कमिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग द एक्सिस्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम मार्केट वोलेटिलिटी। सो सेबी को बोला गया है कि आप अपना रिपोर्ट 2 महीने के अंदर में सबमिट कीजिए, एक कमेटी को अपॉइंट कीजिए और बताइए कि क्या क्या ऐसा हुआ है, कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम सही में तो अदानी ग्रुप में नहीं था ना, उसको पूरा वैलिडेट कीजिए और एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बनाइए,
ताकि इन्वेस्टर्स का जो रहता है मार्केट वोलेटिलिटी में अपने आप को बचा पाए। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन सेबी शैल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द प्रेजेंट बैच ऑफ पिटीशन, वेदर देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ रूल 19A ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957। तो पहले से भी ये भी चेक करेगी कि कोई ऐसा वायलेशन तो नहीं हुआ रूल 19A का। ओके दूसरा है whether there has been failure to disclose transaction with related to parties and other relevant information which concern related parties to SEBI in accordance with the law। तो ये क्या है whether there has been a failure to disclose, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन उन्होंने ऐसा नहीं कि छुपा के रखा, फेल किया, डिस्क्लोज नहीं किया। ओके सी थर्ड इज whether there was an manipulation of stock prices in contravention of existing law, कहीं स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट तो नहीं ना किया गया। तो ये भी सेबी चेक करेगी। द वर्क डायरेक्शन शैल नॉट बी कंस्ट्रक्ट टू लिमिट द कंटूर्स ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। सेबी शैल एक्सपीडिशियसली कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 months एंड फाइल स्टेटस रिपोर्ट। तो सेबी को एक रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को 2 महीने के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को रेस्पॉन्ड करना देना है। और अदानी ने क्या रेस्पॉन्ड किया, अदानी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, हम इसके लिए वेलकम करते हैं, आप चेक कीजिए, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो हम लोग को भी पता चलेगा, लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट वाज अ रेस्पॉन्ड। ओके शॉर्ट कॉल मार्जिन रूल वोज ब्रोकरेज वॉर फ्लाइट टू सेफ्टी। ओके तो ये सिर्फ ब्रोकरेज फर्म के लिए है। विद मार्केट रेंज बाउंड, मार्केट रेंज बाउंड है, मेनी ऑल्गो ट्रेडर्स आर फाइंडिंग दैट इवन ₹20 ऑन अ ट्रेड बाइट, ₹20 का भी ट्रेड जो रहता है वो भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इफ यू आर डूइंग 250 ट्रेड अ डे एंड नॉट मेकिंग एनफ प्रॉफिट टू कवर दैट कॉस्ट, उनको ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जा रहा है। एंड राइट नाउ देयर हैज दैट डज नॉट सीम टू बी एनफ ऑफ इट्स गोइंग मार्केट गोइंग अराउंड। मार्च यूजली इज अ टफ मंथ फॉर स्टॉक मार्केट बुल्स बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियोज बीन शफल्ड एंड मनी पुल्ड आउट ऑफ द सिस्टम टू बैलेंस द बुक फॉर ईयर एंड एंड अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो मंथ एंड जो बुक क्लोजर का डेट आता है तो अपना जो पैसा जो रहता है इधर उधर ट्रांसफर सब करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टैक्सेशन को बचाना ही पड़ता है। तो एड टू दैट रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन रिलेंटलेस सेलिंग बाय FII। तो FII भी सेल बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। एंड परसिस्टेंट कंसर्न अबाउट इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो जो FOMC फेड का जो इंटरेस्ट रेट का अपडेट और आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का अपडेट एंड एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, मार्केट के एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होने के कारण FII भी सेलिंग खूब जबरदस्त कर रहे हैं। नॉट अ प्रेटी पिक्चर एट ऑल, ब्रोकर्स इज टाइटर सेबी रेगुलेशन रिगार्डिंग मार्जिन कलेक्शन ऑन बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स वेइंग डाउन द मार्केट। तो ब्रोकर्स का कहना है कि सेबी का जो बहुत टाइट रूल्स एंड रेगुलेशन जो मार्जिन कलेक्शन को लेकर के है, इस कारण से भी जो रहता है बाइंग और सेलिंग दोनों मार्जिन जो कलेक्ट कर रहे हैं, इस कारण से भी मार्केट में वो फैक्टर मार्केट को नीचे की ओर ले जा रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टॉक सर्ज ऑन लोअर इंटरेस्ट लोएस्ट बिड सर्ज ऑन लोएस्ट बिड फॉर वंदे भारत ट्रेन। अ कंसोर्शन ऑफ रेल विकास निगम एंड रसिया CJSC ट्रांस ट्रांसमैस होल्डिंग इमर्ज एज अ लोएस्ट बिडर वाइल टीटागढ़ वैगन एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल प्लेस इज सेकंड लोएस्ट। तो सबसे पहला कौन है, रेल विकास निगम, और दूसरा क्या है, टीटागढ़ वैगन, और भारत BHEL जो है वो सेकंड लोएस्ट बिडर है। इस कारण से क्या हो गया, जितने भी रेल रिलेटेड स्टॉक है सभी आज में मतलब अच्छा पॉजिटिवनेस दिख रहा था। और भेल एंड टीटागढ़ वैगन इमर्ज एज सेकंड लोएस्ट बिडर फॉर टेंडर टू मैन्युफैक्चर 200 वंदे भारत ट्रेन विद अ बिड ऑफ ₹139.8 करोड़ पर ट्रेन। तो भेल और टीटागढ़ वैगन जो है सेकंड लोएस्ट है, जो कि बोल रहे हैं कि एक ट्रेन को बनाने में वो 139.8 करोड़ पर ट्रेन, 1 करोड़ एक ट्रेन में लगेगा उनको बनाने में, और 200 करोड़ का वंदे भारत ट्रेन का वो मैन्युफैक्चर करेंगे। आरबी ने रसिया CJSC ट्रांसमैस होल्डिंग एमर्ज एज लोएस्ट बिड प्लेसिंग अ बिड ऑफ ₹120 करोड़ पर ट्रेन। तो आरवीनल और जो आर रशिया की जो कंपनियां दोनों मिलकर कितना बोले, 120 करोड़ पर 120 करोड़ एक ट्रेन बनाने में लगेगा। मेंटेनेंस ऑफ 200 वंदे भारत ट्रेन फॉर नेक्स्ट 35 साल का उनको टेंडर भी मिलेगा। तो इस तरीके से आरबीएनएल जो है वो नंबर वन बिडर में पहुंच गया, क्योंकि लोएस्ट बिड डाला था 120 करोड़ का, और दोनों जो है ये लोग दोनों 139.8 करोड़ का बिड डाले थे, क्योंकि 19.8 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। एलएनटी शेयर्स गेन 2% ऑन डिफेंस मिनिस्ट्री डील टू बाई 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स अंडर द बाई इंडियन IDDM डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी। द यूनियन कैबिनेट हैज अकॉर्डेड अप्रूवल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ग्लोमरेट L&T फॉर एक्विजिशन ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप एट एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 3,108 करोड़ एज पर द न्यूज रिपोर्ट। तो इस कारण से एक पॉजिटिव न्यूज था L&T के लिए, इसलिए वो आज पॉजिटिव था।
केनर कंस्ट्रक्शन सर्च 3% मीनिंग 665 करोड़ रोड प्रोजेक्ट, ये हम लोगों को न्यूज को मैंने पहले ही कवर किया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और सेम न्यूज है, इसको इलाबोरेट करके रखा गया है। और एक और, हाँ, सनटेक वो क्वेनर का था, सनटेक शेयर्स गेन आफ्टर साइनिंग लीज डील विद अपग्रेड। तो सनटेक ने एक लीज डील साइन किया था अपग्रेड, इस कारण से वो शेयर्स में आज काफी पॉजिटिवनेस, थोड़ा 3.5% का गेन भी दिख रहा था। ओके, कंपनी एंटर्ड इन टू 10 ईयर लीज एग्रीमेंट टू लीज और 2 लाख स्क्वायर फीट ऑफ प्रीमियम कमर्शियल बिल्डिंग सनटेक BKC51 टू अपग्रेड। ओके, सो 29 ईयर का लीज एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, 2 लाख स्क्वायर फीट का प्रीमियम कमर्शियल बिल्डिंग है। अपग्रेड विल पे क्लोज टू 300 पर स्क्वायर फीट अ मंथ ऑन कार्पेट एरिया बेसिस एज स्टार्टिंग रेंट। ओके, इतना पैसा वो देंगे एज अ रेंट। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 2000 करोड़ ओवर अ लीज टेन्योर। तो 2000 करोड़ का सनटेक को प्रॉफिट हो सकता है कितने साल के में, 29 ईयर्स में। तो एक पॉजिटिव न्यूज है, द डील मार्क्स द लार्जेस्ट स्टूडेंट हाउसिंग एग्रीमेंट एवर कंक्लूडेड इन इंडिया एज अपग्रेड प्लान्स टू सेटअप स्टूडेंट अकोमोडेशन फैसिलिटी विद इन द लीज स्पेस। तो स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट के लिए प्लान कर रही है अकोमोडेशन फैसिलिटी को प्लान कर रही है अपग्रेड नाम की कंपनी, वो लीज में ले रही है इतना, 2 लाख स्क्वायर फीट ले रही है और पर मंथ पे करेगी 300 पर स्क्वायर फीट, जो कि 2.29 ईयर्स में सनटेक को कितना रेंट मिलेगा, 2000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। ओके, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर इश्यूज इंस्पेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट डिश टीवी एंड अलेज्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू कोटिंग सोर्सेस। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, डिश टीवी के अगेंस्ट में आया। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू कंसिडर डिविडेंड ऑन मार्च 10। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है डिविडेंड कंसिडर करने वाली है मार्च 10 में। ओके, इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन मार्च 10 टू कंसिडर सेकंड इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो एक पॉजिटिव न्यूज, जो भी हिंदुस्तान एचएल का शेयर को होल्ड कर रहे हैं। रॉयल इनफील्ड सेल्स वॉल्यूम इन फरवरी जंप्स 21% ईयर ऑन ईयर टू 71,544 यूनिट। ओके, सो 71,544 यूनिट का जंप आया है रॉयल इनफील्ड के सेल्स में फरवरी मंथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं, जिनको ये न्यूज पढ़ना होगा ये इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत बहुत सारा न्यूज है। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी, निफ्टी बैंक सेक्टर एंड एफआईडीआर डेटा को कवर करते हैं। तो निफ्टी का आज क्या सिचुएशन था, निफ्टी आज अच्छा खासा ओपन हुआ, प्रीवियस क्लोज 17,450 का था एंड ओपनिंग कितना रहा, 17,421, 17,421 का ओपनिंग रहा, गैप डाउन रहा। ओके, देन आफ्टर दैट इट मेड अ हाई ऑफ 17,445 जो सुबह को ही रहा, उसके बाद फिर वो नीचे ही चलते रहा, नीचे ही चलते रहा, एक ही जगह पे मार्केट टिका रहा, जिसे लगा कि जैसे सबका प्रीमियम को खत्म करना है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट पूरा ही गिर करके क्लोजिंग लिया। आप देख सकते हैं 17,306 इज द बॉटम बेस था, उसके बाद 17,321 में क्लोजिंग लिया। सो अभी भी सपोर्ट पे ही खड़ा है, इसलिए थोड़ा डर कम लग रहा है, अगर 300 के नीचे जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है निफ्टी के लिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर चेक कीजिएगा तो एडवांस में इट इज 11,177 शेयर डिक्लाइन में थे, 14 शेयर डिक्लाइन में थे और 852 शेयर एडवांस पॉजिटिव थे। ओके, टॉप परफॉर्मर्स इन अदानी इन निफ्टी 50 वॉज अदानी पोर्ट 3.45, अदानी एंटरप्राइज 2.75, कोल इंडिया 1.87, बीपीसीएल 1.63, हीरो मोटर कॉर्प 1.33%। ये टॉप परफॉर्मर इन निफ्टी था एंड टॉप लूजर इन निफ्टी वॉज मारुति सुजुकी, 2.46, एक्सिस बैंक 2.28, टीसीएस 1.90, एमएनएम 1.62 एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.61%। सो टॉप लूजर वॉज मारुति सुजुकी। ओके, आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का भी सिमिलर सिचुएशन था। आज कोई पॉजिटिव मूव मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ करके रखा वही लाइन को ही उसने रिस्पेक्ट किया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं लिया, उसी जगह से उसी रेसिस्टेंस को उसने रेसिस्टेंस माना, इज्जत से नीचे आ गया। ओके, सो प्रीवियस क्लोज वॉज 40,700, 698, 698 ओपन हुआ गैप डाउन अराउंड अराउंड लगभग लगभग अराउंड 94 पॉइंट्स का गैप डाउन रहा। देन आफ्टर दैट इट मेड अ लो ऑफ 40,312, लो बनाया, जो लो था उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके क्लोजिंग लिया 40,389 का, एंड हाई वॉज 40,773। ओके, तो जस्ट पहले तो गैप डाउन रहा, देन आफ्टर दैट इट मेड थोड़ा सा हाई बना करके उसके बाद फिर नीचे का क्लोजिंग लिया। सो नॉट गुड, 300 पॉइंट का नीचे चला गया, 300 पॉइंट हाई बना करके लगभग 350 पॉइंट नीचे चला गया बैंक निफ्टी, दैट वाज नॉट लुकिंग गुड। सो टॉप परफॉर्मर इन बैंक निफ्टी वाज बैंक ऑफ बड़ौदा 0.15, इंडसइंड बैंक 0.15। तो ऑलमोस्ट सभी शेयर्स आज लाल में थे एक्सेप्ट
सम बैंक्स ओके। टॉप लूजर वॉज एक्सिस बैंक विथ 2.28, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज था विथ रिलेटेड टू सिटी बैंक टाइप को लेकर के। लेकिन जब टेक्निकल खराब हो जाता है तो कोई भी न्यूज काम नहीं आता है। कोटक महिंद्रा 1.33, IDFC फर्स्ट बैंक 0.99, HDFC बैंक 0.85, PNB 0.80। तो ये सब शेयर जो थे टॉप लूजर्स एंड दिस वर द टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स इन निफ्टी बैंक। सेक्टर इंडाइसेस ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं टोटल सेक्टर वॉज इन रेड कलर, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के सेक्टर इंडाइसेस आई मेंट। इसमें से टॉप लूजर वॉज निफ्टी आईटी एंड टॉप परफॉर्मिंग बोल सकते हैं, टॉप परफॉर्मिंग भी आज रेड में ही था। सबसे कम लूज करने वाला कौन था? बीएससी हेल्थ केयर। सो दैट्स इट, यही है आपका सेक्टर इंडाइसिस। और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस वॉज किसी का भी वैसा बहुत नहीं था। जो ग्रीन में थे वॉज सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वॉज था, एंड देन कॉन्ग्लोमेरेट एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो भी देख सकते कितना ग्रीन था। सो ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। ऑलमोस्ट पूरा मार्केट जो सबसे टॉप लूजर वॉज ऑटोमोटिव सेक्टर, सबसे ज्यादा लूज किया। एंड देन आफ्टर दैट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल विद 0.74, एंड ऑलमोस्ट सबका जो था इट वॉज क्लोज टू 0.50। सो सबका ही आज स्थिति खराब था, आज एक्सपायरी भी था, हो सकता है ये एक रीजन हो सकता है। आगे बढ़ते FII DIT अगर आप चेक कीजिएगा 1 मार्च को, तो FII ने 424.88 करोड़ का सेलिंग किया, एंड DII ने 1498 करोड़, 1500 करोड़ मानते हैं इसको, उसका बाइंग किया है। तो आज 1000 करोड़ की बाइंग हुई है मार्केट में, 1000 करोड़ का बाइंग हुआ है ओवरऑल ओके। एंड मंथ ऑन मंथ अगर आप चेक कीजिएगा तो आज का जो डेटा है ऑलमोस्ट इस मंथ, लास्ट मंथ में फरवरी इट वॉज फेब मंथ का जो था, इसमें अब बाइंग ही हुआ था। आप देख सकते हैं लगभग 11,000 पर सेलिंग हुआ था, 19,000 करोड़ का बाइंग हुआ था। सो ऑलमोस्ट लगभग 8,000 करोड़ का बाइंग हुआ था फेब मंथ में ओवरऑल। और अभी जो मार्च मंथ में भी सिमिलर सिचुएशन है, इसमें लगता है एक दिन का डेटा ऐड करके अभी नहीं आया है ओके ओके। तो आगे बढ़ते मार्केट मूड का डेटा ये देख सकते हैं। इट वॉज इनिशियली आप इस तरीके से जा रहा है ओके। सो जो मार्केट मूड का जो हैंड जो है इट्स मूविंग फ्रॉम इस साइड से जा रहा है, ऐसे ऐसे जा करके। सो आपको ही पता मार्केट मूड का इंडेक्स, मार्केट मूड का जो अब हैंड जो रहता है, कांटा जो रहता है, अगर ये नीचे से ग्रीन से अगर रेड की ओर जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव है। अभी फियर फैक्टर मार्केट में बहुत ज्यादा है और यही बाइंग अपॉर्चुनिटी बताता है, मार्केट मूड यही बोलना चाह रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट चूंकि अभी बहुत क्रिटिकल सपोर्ट में खड़ा है, आई वोंट सजेस्ट मच इन दैट फैक्ट। मार्केट मूड हो सकता है फिर नीचे की ओर आ जाए तो दिक्कत में पड़ जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग एनीवन टू बाय और सेल ओके। चलिए पहले टेक्निकल व्यू चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं ठीक है। टेक्निकल व्यू पहले देखते हैं ओके। सो पहले निफ्टी को ही देखना चाहिए ठीक है। निफ्टी पहले निफ्टी बैंक को ही चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी दैट वुड बी गुड। बैंक निफ्टी के साथ एक नेगेटिव चीज क्या लग रहा है कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, उसमें ये क्रॉसओवर जो रहता है ये नीचे की ओर लिया है, ब्रेकडाउन लिया है। सो एक नेगेटिव चीज वो है। अब ये डर है कि फिर से इस सपोर्ट को छूने के लिए नहीं चला जाए, 40,100 जो है उस सपोर्ट के पास फिर से ना चला जाए, एक नेगेटिव चीज ये दिख रहा है ओके। और कैंडल भी जो है एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना करके ऊपर नीचे की ओर आ रहा है। 1 घंटे का चार्ट भी अगर हम चेक करेंगे, उसको भी चेक कर लेते हैं, तो 1 घंटे का चार्ट में भी आप देख सकते हैं नॉट गुड सिचुएशन। क्रॉसओवर फिर से नीचे को लेने का, अभी कल ब्रेकआउट था, आज देखिए आज मार्केट एक ही रेंज बाउंड रहा है, देन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड फॉलिंग। बस अब ये सपोर्ट जो है 40,147, और रेसिस्टेंस तो बहुत ही दूर है, 41,600 इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस जो कि दूर है, और लेकिन अभी सपोर्ट इज वेरी वेरी क्लोज ओके। सो जिनको रिस्क लेना है आप सपोर्ट को देख करके काम कर सकते हैं ओके। सो 40,100 इज द सपोर्ट। सो निफ्टी बैंक ये है, निफ्टी 50 चेक करते हैं ओके। निफ्टी 50 को अगर चेक करेंगे, सो 1 घंटे का चार्ट आप देख सकते हैं, निफ्टी इज एग्जैक्टली जो 17,300 का जो लाइन है वहीं पर आकर के खड़ा है, वहीं पर अभी आया हुआ है। वेरी क्रिटिकल 17,300 तो क्रिटिकल है ही, लेकिन अगर ये हैमर टूटता है, इस हैमर का
दो टूट जाता है, जो कि 17,252 है, 17,250 मानते हैं। अगर ये टूटता है इट वुड बी मार्केट वुड बी ब्लीडिंग, ओके मार्केट ब्लीड करेगा। बस इस चीज को ध्यान देना, ये हैमर ना टूटे, ऑलमोस्ट ये हैमर के जैसा ही है, हैमर ना टूटे। क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आप देख सकते हैं ठीक है, ये टूटे नहीं बस। ओके अगर ये टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक घंटा वन डे का चार्ट भी चेक कर लेते हैं। ओके वन डे में भी देख सकते हैं, नॉट गुड, अच्छा नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट में खड़ा है, क्रॉसओवर वगैरह भी नीचे की हो रही है, कोई इंडिकेटर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है निफ्टी बैंक को, अभी सॉरी निफ्टी 50 को, और चूंकि अभी सपोर्ट में है सो जो जिनको रिस्क लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट में, सबको पता है कि बाइंग करना चाहिए, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, उस जगह पे निकल जाना है। ओके सो दैट्स द रूल, यही रूल बताता है। तो इस जगह पे जब ये बनाया था कैंडल, मैंने उसी से बताया था कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, और देख सकते हैं रेसिस्टेंस, ये इसी रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया और कितना नीचे आ गया है मार्केट। अभी सपोर्ट को भी चेक करना है कि बस ये सपोर्ट से ऊपर जब जाने लगेगा तब हम लोगों को बाइंग इनिशिएट करना है, अदरवाइज हम लोगों का भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं अबाउट डाउ जोन्स, ओके DJI US मार्केट फ्यूचर क्या भी बता रहा है, क्योंकि अभी डेटा आया तो उसको भी चेक करना जरूरी है। ओके देख सकते हैं यूएस का जो डाउ जोन्स का भी जो फ्यूचर का जो मार्केट का जो डेटा बता रहा है अभी जो है, दैट इज शोइंग क्या, आप देख सकते हैं एक डोजी की तरह ही क्रिएट हुआ है। मार्केट अटरली कंफ्यूज्ड है, करना क्या है, मार्केट बहुत ही कंफ्यूज्ड है। लेकिन एक नेगेटिव है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉसओवर मार्केट लिया हुआ है, मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर लिया है जो कि एक नेगेटिव है, तो ठीक है। लेकिन अभी इस जगह पे देखते हैं डोजी कंप्लीट होता है आज के दिन में या क्या कंप्लीट होता है अभी, लेकिन जो सिचुएशन है दैट इज टेलिंग अबाउट डोजी। छोटे टाइम फ्रेम में इसको चेक करते हैं ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं एक पॉजिटिव था, क्योंकि अभी जो डेटा जो आया है, जो डेटा जो मैंने अभी आपको दिखाया है जॉबलेस क्लेम डेटा, उस डेटा के बदौलत, डेटा आया था लगभग 7 बजे के अराउंड में, 7 o'clock के अराउंड में डेटा आया था। ओके तो 7:45 से फिर ये ऊपर ही जाना स्टार्ट किया, ऊपर ही जा रहा है, पहले तो गिर रहा था, उसके बाद फिर अभी ये 7:45, 7 o'clock, 7 बजे, 7 बजे इसी जगह पे था, सॉरी 7 बजे, 7 o'clock, 7 o'clock, 7 बजे इस जगह पे डेटा था, मार्केट उसी जगह पे खड़ा है, मार्केट अभी भी पूरा कंफ्यूज है कि इसको जाना किधर है। ओके लेकिन फिर भी अभी ये लो जो है डाउ जोन्स का जो लो है 32,500, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तोड़ेगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि ये लो जो है ये एक लो है, एंड उसके बाद फिर जो दूसरा लो जो बना है दैट इज हायर लो बना है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल होता है। बस ये जो 20 डे मूविंग एवरेज को देख सकते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज को हर जगह टच कर रहा है, यहाँ भी टच किया नीचे आया, यहाँ भी टच किया नीचे आया, हर जगह पे 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ रहा है, और यहाँ भी अभी भी जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके नीचे ही आया है। तो देखते हैं इस 32,700, 32,700 के ऊपर अगर चला जाएगा तो अच्छा रहेगा डाउ जोन्स के लिए भी, और फिर ये ऊपर जाने की चांसेस बनता है, क्योंकि डेटा जो जॉबलेस क्लेम डेटा भी अच्छा आया है। एक बार हम लोग वेदांता का चेक करते हैं, वेदांता एंड देन कोल इंडिया, वेदांता, वेदांता का अगर आप चार्ट चेक करेंगे सो नॉट गुड चार्ट, अभी अच्छा नहीं है। वनडे का चार्ट को पहले चेक करते हैं, वनडे में 2282 इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, अगर उसको जाएगा तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं गैप की तरह क्रिएटेड है। ओके सो नेक्स्ट जो जाएगा ये 287 तक तुरंत पे चला जाएगा ठीक है। सो डिपेंड करता है हम जो जो मेटल मार्केट अभी कैसा है, तो मेटल मार्केट के लिए सबसे पहले हम लोग सिल्वर को चेक करते हैं। ओके सो पहले वेदांता का चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं वंस अगेन। सो वेरी क्रिटिकल सपोर्ट फॉर वेदांता इज 262, अगर इसको तोड़ेगा तो 255, 250, 254 इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट, कहाँ पर है आपको दिखा सकते हैं, 254 इज अ इम्पोर्टेंट, 256 यहाँ है, लेकिन 254 को मानते हैं, 254 नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट है, वहां पर जाकर के रुक सकता है। ओके और उसके बाद अगर टूटेगा तो फिर 228 है, एंड देन आफ्टर 204। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट कोल इंडिया, कोल इंडिया, कोल इंडिया का चार्ट इज गुड, अभी अच्छा है, एकदम सपोर्ट से ही 210, 211 का जो सपोर्ट था उसी जगह से ही उठ करके चला गया है, और एक तो था ये लोअर लो, एक लो बना था उस लो के ऊपर ही लो बनाया, हायर लो बनाया, देन अगेन हायर लो बना करके फिर ये ऊपर जा रहा है। अभी जो ब्रेकआउट लेवल जो है दैट इज
दैट इज 234, 234 रुपया ब्रेकआउट लेवल है। अगर उस ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस करेगा तो सबसे पहला 239 जाएगा तुरंत में, एंड 239 को अगर ब्रेकआउट करता है तब तो फिर तुरंत में ये 245, 246 तुरंत चला जाएगा। ओके सो सबसे पहला जो इसके लिए हर्डल रहेगा 233 रुपीज, देन आफ्टर दैट 235 रुपीज, एंड देन आफ्टर दैट 239 रुपीज। ओके सो जिनको जानना है वो उसका आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट एक चेक करते हैं वो सिल्वर का ग्राफ। ओके बिकॉज वेदांता एंड जो मार्केट जो है यूएस मार्केट को चेक करेंगे हम लोग। सिल्वर का ग्राफ जो है दैट इज पैथेटिक, बहुत खराब चार्ट है अभी इसके लिए। जो कभी पहला सपोर्ट जो है दैट इज 20.446, मैं सिल्वर माइक्रा लगाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा सिल्वर माइक्रा क्योंकि हमारा मार्केट से रिलेटेड हो, ठीक है, सिल्वर माइक्रो फ्यूचर। सो हमारा मार्केट से रिलेटेड है, तो 63,532 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर उसके बाद फिर गैप फिल करने के लिए 61,600 जा सकता है, उसके बाद फिर नीचे कहीं है। कुछ पॉजिटिव अभी ऐसा नहीं ग्राफ में दिख रहा है, तो चेक मैंने जानबूझ करके किया, चेक करते हैं क्या बता रहा है। ओके लेकिन वीकली चार्ट में ये 20 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज को आप लोग नोटिस कीजिएगा। और ज्यादा चांसेस है कि सिल्वर जो रहता है 60,200 या फिर 60,500 के पास ही जिससे जाकर के रिटर्न ले लेगा, फिर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेगा जो कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट ले सकता है, ले सकता है। ओके सो वीकली चार्ट की बता रहा है, दिस इज मंथली चार्ट। सो हम लोग अभी क्लोज करते हैं, दिस इज अबाउट सिल्वर। मैं फिर से कमोडिटी को डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। आलोक साइनिंग ऑफ, थैंक यू।